कुंभ राशि, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आज कुछ नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जानते हैं 11 नवंबर की कुंभ राशि फल। दोस्तों आज हम आपको 11 नवंबर की कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। इसमें आज के दिन यानी कि आपका दिमाग जो कि काम नहीं कर सकता, कुछ नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, हर एक बात को विस्तार से जानेंगे। साथ ही इसमें आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, धनराशि फल, लव राशि फल, करियर राशि फल और आखिर में आपका स्वास्थ्य राशि फल कैसा रहेगा, हर एक बात को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों परिवार के साथ आप किसी अच्छी जगह घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानियां दूर होगी। आप अपना दांपत्य जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करेंगे। कामकाज में लगातार सफलता हासिल होगी। संतान की तरफ से सुख की प्राप्ति होगी। इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे। नई संपत्ति की खरीदारी करने की योजना बन सकती है। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। संतान पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा। काम के सिलसिले में की गई मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में आपने काम ही कुछ ऐसा किया है जो कि मान सम्मान के लायक हो। दोस्तों काम धंधे और नौकरी से संबंधित कोई योजना आज आपके मन में होगी। कार्य क्षेत्र और ऑफिस में आज आपके पास अधिक काम हो सकता है, लेकिन इस काम को यदि आप दूसरों में भी बांट दे तो आपका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। पैसों से जुड़े हुए कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा या फिर कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। आपको चारों ओर से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। भवन निर्माण से संबंधित कार्यों में कुछ खर्च होने के योग बन रहे हैं दोस्तों, लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है, चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आज आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप उस काम को अपनी चतुराई और फुर्ती से बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता, आपके अंदर के आत्मविश्वास हर एक कार्य को करने के लायक बना देती है। आज अपने अच्छे कामों के लिए आपको समाज में सम्मान मिल सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण करना आज आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर वाणी मीठा रहेगा तो ही आप अच्छे से रहेंगे, अपने व्यवहार को, अपने व्यवसाय को अच्छे से बढ़ा पाएंगे। अगर वाणी खराब हो जाए तो इससे डायरेक्ट नुकसान आपको धन में हो सकता है। खरीदारी करते हुए आज थोड़ा संयम रखें, अन्यथा आप अधिक खर्चा कर सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति पर आपको किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचना होगा। आज अपने साथियों में से कोई साथी आपको कहीं निवेश की अच्छी सलाह दे सकता है। अधिक जिम्मेदारियों के होने के कारण आज आप दिन भर व्यस्त रह सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका दिमाग काम किस तरह से नहीं करेगा और किस तरह से नुकसान झेलना पड़ सकता है उसके बारे में। दोस्तों आज आपका दिमाग इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि किसी कारणवश घर में जो कि वाद विवाद चल रहा हो, या फिर आपके समाज में किसी कारणवश झगड़े हुए हो, इसके कारण क्या होगा कि वही विचार आपके मन में जो कि गुंता गुंता करते रहेंगे, और इसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र पर जहां पर कार्य करते हैं कहीं पर भी बाहर जो कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और उसकी वजह से कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों से बातें सुननी पड़ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी वाद विवाद घर में, जो भी झगड़े चल रहे हैं, जो भी समाज में जो भी चल रहा है, उसका विचार ज़्यादा करते ना बैठेगा। इसे इसका असर डायरेक्ट आपके कार्य पर हो सकता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। साहस भरी छोटी यात्रा आपका इंतजार कर रही है।
जिसका आप छोटे भाई बहनों के साथ आनंद लेंगे। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित ना होकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। संचार के साधनों से आप सफलता के नए रास्ते खोज सकते हैं। आज छोटी छोटी बातों से चिंतित ना हो। अपने दोस्तों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज पार्टी, ड्रिंक्स और नशे आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए इनसे थोड़ा बचकर ही रहेगा। समझदारी से काम करना आपको भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बचाएगा। अपने ध्यान को भटकने ना दें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो कि आपको समझते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अगर हो सके तो अपनी समस्या सुलझाने के लिए अपने सहकर्मियों की मदद लें। समय पर की गई उनकी मदद से आपको फायदा होता रहेगा। आपको कुछ और भी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं क्योंकि आपका बॉस चाहता है कि आप थोड़ा और सहयोग दें। अपने करियर के लिए आपको ये जिम्मेदारियां स्वीकार कर लेनी चाहिए। इससे आपको लंबे समय में बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशि पर कैसा रहेगा उसके बारे में। सहकार्यकर्ता और बॉस आज आपके काम की प्रशंसा करेंगे और कोई इनाम भी मिल सकता है। आपका जीवन साथी पूरी तरह से समर्पित है और हमेशा आपके साथ रहने वाला है। परिवार को धन का घाटा हो सकता है, इससे बचने के लिए सोच समझकर धन व्यय करें। आपका रोमांटिक स्वभाव आसपास के माहौल को भी गुलाबी बना देगा, जिससे आप कुछ उत्तेजक और आनंदित क्षणों को महसूस कर पाएंगे। अपने शारीरिक सुख से पहले अपने साथी के साथ कुछ समय जो कि रोमांस क्रीड़ा में व्यतीत करने से आपका रिश्ता अटूट बनेगा। इस मदहोश करने वाले दिनों में बुरी आदतों के बारे में ना सोचें। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आज आपको अपनी मांसपेशियों और कमर का ध्यान रखना होगा। कोई भी भारी सामान उठाते समय बेहद सावधानी बरतें ताकि आपकी कमर या फिर मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव ना पड़े। आज आपकी मांसपेशियों से संबंधित परेशानी हो सकती है और इस परेशानियों को दूर करने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और किसी भी सामान को उठाने के लिए अलग दो पैंतर इस्तेमाल करने होंगे। कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे आप खुद को चोट पहुंचा सके। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आज का आपका कुंभ राशि फल रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। दोस्तों, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करके आपके जीवन में हो रही सभी प्रॉब्लम परेशानियों का हल जान सकते हैं। साथ ही आप हमसे जो कि कुंडली बनवा सकते हैं, साथ ही शादी कब होगी, किससे होगी, कहां पर होगी, इसके बारे में भी जो भी क्वेरीज हो शादी के रिलेटेड, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है वहां पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें, रिप्लाई झट से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।